दोस्तों बाजार में या घर में जो नई प्लास्टिक की चीजें देखते हैं वो जरूरी नहीं कि किसी फ्रेश मटेरियल से बनी हो, ये भी हो सकता है कि उसे रिसाइकिल करके बनाया गया हो, क्योंकि आजकल पुराने कबाड़ से जरूरी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़े स्तर पे किया जा रहा है। इसलिए आजकल चाहे प्लास्टिक रिसाइकिलिंग हो या पेपर की रिसाइकिलिंग, ये आज के तेजी से बढ़ने वाले सबसे अच्छे बिजनेस है और आप इस बिजनेस के जरिए अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आजकल हमारे देश में कूड़ा कचरा और कबाड़ काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ऐसे में रद्दी कागज और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके नई चीजें बना ली जाए तो एक कमाई का एक अच्छा जरिया हो सकता है। और इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आज भी इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि कबाड़ के बिजनेस से भी लाखों की कमाई की जा सकती है। और साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली कारोबार है और लघु उद्योग के तौर पे रिसाइकिलिंग का ये कारोबार आप छोटे बड़े शहर से लेके गांव कस्बे में कहीं भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक प्रोडक्ट की रिसाइकिलिंग अभी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है और इस बिजनेस के प्लांट अपने देश में उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए और देश के पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज से है तो प्लास्टिक ही है, क्योंकि प्लास्टिक के प्रोडक्ट कभी खुद से नष्ट नहीं होते हैं। अगर प्लास्टिक के प्रोडक्ट की बात करें तो पानी के बोतल और दूध के पाउच से लेकर तमाम तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट काफी डेली मात्रा में यूज किए जाते हैं, जिसे रिसाइकिल करके दोबारा टेबल, कुर्सी या फिर दूसरी उपयोगी चीजें दोबारा बनाई जाती हैं। और अगर बात करें इसके डिमांड की तो प्लास्टिक से रिसाइकिल रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये फ्रेश मटेरियल से काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है और इसलिए लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर बात करें प्लास्टिक के दानों की डिमांड की जिससे प्लास्टिक के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और जिसे ग्रेन्यूल्स कहते हैं, तो रिलायंस, एलजी, गेल इंडिया प्लास्टिक के दाने बनाने वाली बड़ी कंपनी है और डेली मार्केट में रेट इनके द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं और डेली इनके रेट अलग अलग होते हैं। इन्होंने हर बड़े शहर में अपने स्टॉकिस बना रखे हैं और उनके जरिए ही पूरे देश में प्लास्टिक के दाने सप्लाई किए जाते हैं और केवल कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मार्केट में प्लास्टिक के दानों की हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। इसलिए जो बड़ी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और दूसरी बड़ी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो चाइना या दूसरे देशों से प्लास्टिक के दानों के कंटेनर इंपोर्ट कर लेती है, लेकिन रिलायंस और दूसरे बड़ी कंपनी को ज्यादा और कैश प्राइस की वजह से छोटे और मीडियम लेवल के बिजनेसमैन की मजबूरी हो जाती है रिसाइकिल प्लास्टिक के दाने को खरीदना और ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई की वजह से रिसाइकिल दानों की डिमांड काफी ज्यादा बनी हुई है। दोस्तों अगर आप थोड़ी जानकारी पता कर ले और केवल 4 से 5 प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात कर ले तो मेरा दावा है कि आप प्लास्टिक के दानों के स्टॉकिस्ट बन के भी काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें प्लास्टिक रिसाइकिल बिजनेस को स्टार्ट करने की तो इस बिजनेस को 2 तरीकों से स्टार्ट किया जा सकता है। पहला ये कि अगर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं और आपके द्वारा रिसाइकिल किए गए प्रोडक्ट को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सप्लाई करें। और दूसरा तरीका ये है कि पहले कहीं अपना गोदाम बनाएं और फिर गांव या शहर से कबाड़ियों से कॉन्टेक्ट कर वहां पे वेस्ट मटेरियल को जमा करें और ये वेस्ट मटेरियल आपको काफी सस्ते रेट पे मिल जाएंगे और फिर जमा किए गए मटेरियल को आगे रिसाइकिल करने वाली कंपनी को सप्लाई करें। और जब आपको इस बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो जाए उसके बाद फिर खुद का रिसाइकिलिंग प्लांट लगाएं। सरकार भी ऐसे बिजनेस को काफी सपोर्ट करती है और ऐसे बिजनेस के लिए लोन और सब्सिडी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये खराब या वेस्ट प्लास्टिक के जरिए कैसे तैयार किया जाता है प्लास्टिक के दानों को, जिससे कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें खराब प्लास्टिक से फ्रेश बोतल बनाने की, तो उसके लिए सबसे पहले बोतल या दूसरे प्लास्टिक के प्रोडक्ट को क्रश किया जाता है प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन के जरिए, और ये मशीन बिल्कुल बारीक क्रश कर देती है प्लास्टिक बोतल या दूसरे प्लास्टिक के प्रोडक्ट को। और क्रश करने के बाद जो क्रश किया हुआ प्लास्टिक नीचे रहा है उसे फ्लैक्स कहते हैं। और दोस्तों बाजार में आपको ये मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी की मिल जाएगी और आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। आपको जितनी कैपेसिटी का प्लांट शुरू करना है उतनी कैपेसिटी का मशीन खरीद सकते हैं। दोस्तों आप इस मशीन के जरिए 20 केजी पर घंटा से लेके 2 टन पर घंटा तक प्लास्टिक के प्रोडक्ट क्रश कर सकते हैं। वहीं दोस्तों क्रश किए गए प्लास्टिक के बोतल या दूसरे प्लास्टिक के फ्लैक्स को कास्टिक सोडा और दूसरे केमिकल की मदद से साफ कर लिया जाता है और फिर इसे सुखा लिया जाता है और फिर सुखाए गए प्लास्टिक के फ्लैक्स एक्सट्रूजन मशीन के जरिए दोबारा प्लास्टिक के ग्रेनुल्स बना लिए जाते हैं। दोस्तों जो मशीन आपको वीडियो में दिख रही है, आपको मशीन के बने हॉपर में प्लास्टिक के साफ किए हुए फ्लेक्स को डालना होता है और मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है प्लास्टिक ग्रेनुल्स की। दोस्तों आपको ये मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अलग अलग प्राइस में मिल जाएगी और ऐसे प्लांट को आप 2 या 3 लोगों की मदद से चला सकते हैं। और जो मशीन आपको वीडियो में दिख रही है उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मशीन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग आपको मशीन के सप्लायर के द्वारा ही मिल जाएगी। और आप चाहें तो ऐसे प्लांट की शुरुआत आप फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी कर सकते हैं और आप अपने बजट के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। और अगर बात करें इसके द्वारा होने वाले प्रॉफिट मार्जिन की, तो थोड़ी जानकारी और अच्छी मार्केटिंग स्किल के साथ 40 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है, जो लोकेशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा और कम हो सकता है।
आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।